ये देखिए, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। 1857 की क्रांति के कारण राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 में, तो ये प्रमुख स्थान थे जहाँ पर 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो ये देखिए, जो 18 क्रांति का योगदान योगदान कहाँ कहाँ पर हुआ, तो इसमें देखिए, इसमें देखिए 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। 1857 की क्रांति के कारण और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 में हुई। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 में हुआ। नीमच के अंदर डुगला गांव, आउवा में विद्रोह हुआ। भीतोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। चेलावास, कालागोरा का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। कोटा में विद्रोह हुआ, धौलपुर में हुआ, टोंक में विद्रोह हुआ। टोंक के अंदर तांत्या टोपे और डूंगरजी जोहारजी शिकार के अंदर क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे, 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा। जी देखिए, 1857 की क्रांति राजस्थान की रियासतों में मराठों के आक्रमण से मुक्ति पाने के लिए, मतलब ये 1857 क्रांति थी जो मराठों के आक्रमण से मुक्ति पाने के लिए थी, अपने राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए थी। और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियां संपन्न थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की विलय की नीति, मतलब विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में संतारा को तथा उसके बाद 1856 में नागपुर, झांसी, बरार, अवध आदि रियासतों का विलय कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इनका विलय कर दिया। अंग्रेजों द्वारा परंपरागत रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया और ईसाई धर्म के प्रचार करने लगे। सामाजिक सुधार करने के प्रयासों ने यहाँ के जनमानस को भी नाराज कर दिया, मतलब अंग्रेज अपने अपने कानून लागू करने लग गए। इस प्रकार रियासतों के राजाओं तथा यहाँ की जनता ने में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में लहर चल पड़ी, मतलब इनका विरोध करने लग गया। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने लगे और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। जो 1857 की क्रांति का अति महत्वपूर्ण पॉइंट है जो चर्बी लगे कारतूस है ना। 1857 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड रॉयल राइफल, मतलब ब्राउन बेस के स्थान पर ब्राउन बेस एक गन थी, उनके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ। इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में यह अफवाह फैली गई कि इनमें लगने वाले कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती है। कारतूसों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था पहले, इसलिए यह हिंदू धर्म के खिलाफ था। गाय हिंदू धर्म के खिलाफ थी और चर्बी, सुअर की चर्बी जो मुस्लिम को धर्म भ्रष्ट करती थी। परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो। अच्छा, तो 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे वो अब जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, 29 मार्च 1857 को बैरंगपुर छावनी की 34वीं रेजिडेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों को, क्योंकि मुंह से खोलना पड़ता था जो हिंदू धर्म के खिलाफ था, क्योंकि उसके अंदर गाय की चर्बी थी, और मुसलमान इसके खिलाफ इसलिए थे कि इसमें सुअर की चर्बी थी। अच्छा, मंगल पांडे ने इसे मना कर दिया।
उस पर दबाव डाले जाने के कारण उसने लेफ्टिनेंट बाघ तथा जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मतलब मंगल पांडे पर लेफ्टिनेंट बाघ और जनरल हुसैन दोनों ने इसके ऊपर दबाव दिया, लेकिन मंगल पांडे अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने लेफ्टिनेंट बाघ की और हुसैन की हत्या कर दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठपुर छावनी से हुई। मतलब इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, 1857 में 10 मई 1857 को मेरठपुर छावनी से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 के क्रांति का नेता चुना गया। अच्छा, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल और रोटी, 1857 की क्रांति का प्रतीक। तो एक तो इसमें ये है महत्वपूर्ण और ये है, बहादुर जफर भी है कि 1857 का नेता किसे चुना गया था सर्वप्रथम, तो बहादुर जफर। तो 1857 में राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई, ये 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, कौन कौन सी, नसीराबाद जो अजमेर में, नीमच जो मध्य प्रदेश में, ब्यावर भी अजमेर में, हरिनपुरा जोधपुर में, खेरवाड़ा उदयपुर में और देवली टोंक के अंदर। इसमें पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ के अंदर मेक मोहनसन था, मेवाड़ में मेजर सावर्स था, जयपुर में कर्नल इडन था, कोटा में मेजर ब्रटन था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857, अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात की गई, जो उस समय मेरठ से आई थी। पैट्रिक लॉरेंस ने इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया अजमेर की सुरक्षा के लिए। 2 मेयर रेजिडेंसी टुकड़ियों को बुला लिया गया। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को अजमेर से हटाए जाने के कारण इसमें असंतोष बढ़ने लगा तथा 28 मई 1857 को इस टुकड़ी में सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस सैनिक टुकड़ी का 37वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी दिया। इस सैनिक ने मेजर स्पोटिस वुड्स तथा न्यूबरी नामक अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी तथा छावनी को लूट कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर इन्होंने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। अच्छा, नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को, नीमच छावनी मध्य प्रदेश में स्थित थी, लेकिन इस छावनी पर नियंत्रण कार्य मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स का था। अच्छा, कर्नल एबोट ने यहाँ विद्रोह होने के भय से नीमच छावनी के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। मोहम्मद अली बेग ने प्रतिवादी करते हुए कहा कि क्या अंग्रेजों ने अपने शपथ का पालन किया, क्या आपने अवध को नहीं हड़प लिया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेगम तथा हरिराज सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर लिया तथा छावनी को लूटकर देवली व आगरा के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। मेजर सावर्स अपनी सेना सहित विद्रोह का पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंचे, लेकिन यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों के लिए दुर्ग का दरवाजा तक नहीं खोला। डुंगला गांव, क्रांतिकारियों ने नीमच में से बचकर भागे 40 अंग्रेजी अधिकारियों तथा उनके परिवारों को डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुगाराम किसान के घर में बंधक बना लिया गया। मेजर सावर्स ने इस अंग्रेज को यहाँ से मुक्त करवाया तथा उदयपुर पहुँचा, जहाँ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसके पिछोला जिले में जग मंदिर में शरण दी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता नामक व्यक्ति को दी गई। आहुआ में विद्रोह, अंग्रेजों द्वारा 1835 में गठित जोधपुर लीजन टुकड़ी को हरिनपुर छावनी में रखा गया। इस जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी आबू में स्थित थी, जिसे नसीराबाद तथा नीमच में विद्रोह की सूचना मिलने पर इसे विद्रोह की भावना जागृत हुई। 23 अगस्त 1857 को यह सैनिक हरिनपुर आए और
आए तथा दफेदार मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने छावनी को लूटा तथा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई। जब क्रांतिकारी सैनिक आहुआ पहुंचे तो यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारी का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। जब यह सूचना AGJ लॉरेंस को मिली तो उसने मारवाड़ शासक तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कूच चलने के लिए सेना को भेजी। भिथोड़ी का युद्ध 8 सितंबर 1857 को शुरू हुआ। भिथोड़ी जो पाली नामक स्थान पर पाली के अंदर है तो भिथोड़ी नामक स्थान पर मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह के सेनापति ओनाड़ सिंह व अंग्रेजी अधिकारी ईतकोट ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में ओनाड़ सिंह तथा ईतकोट मारे गए जबकि कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय हुई। चेलावास या काला गोरा का युद्ध 18 सितंबर 1857। भिथोड़ा युद्ध में पराजय के बाद राजस्थान AGJ पैट्रिक लॉरेंस तथा मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोनसन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया जिससे कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जीत हुई। इस युद्ध में मेक मोनसन मारा गया जिसका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लेजन के कुछ क्रांति ओसापा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए लेकिन नारनौल नामक स्थान पर ब्रिगेडियर गेराल्ड के नेतृत्व वाली सेना ने 16 नवंबर 1857 को इन्हें पराजित किया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना तथा क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ जिसने अंग्रेजी सेना की विजय हुई तथा ठाकुर कुशाल सिंह किले का भार छोटे भाई प्रति सिंह को सौंप कर मेवाड़ चला गया। अंग्रेजों ने आहुआ में लूटपाट की तथा आहुआ के ठाकुर की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गए। सुगाली माता को 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है या किस ठाकुर के। कुशाल सिंह ने मेवाड़ के कोठारे ठिकाने के रावत ज्योति सिंह के यहाँ शरण ली। 8 अगस्त 1860 को उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर टेलर के अध्यक्षता में इनके खिलाफ जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया गया। 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। कोटा में विद्रोह 1857 के विद्रोह में कोटा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आम जनता द्वारा किया गया। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था जो नीमच के विद्रोह को शांत कर 1857 में कोटा पहुँचा। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल मेहराब खान तथा हरदयाल के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। विद्रोह में मेजर बर्टन अपने दो पुत्रों तथा डॉक्टर सेडलर की हत्या की थी तथा मेजर बटन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया गया। विद्रोह ने कोटा मारा और राम सिंह द्वितीय को महल में नजरबंद कर दिया गया तथा राज्य के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार का संपूर्ण कोटा रियासत को क्रांतिकारियों ने अपने अधीन कर लिया। मेजर जनरल के नेतृत्व में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पहुंची तथा क्रांतिकारियों को पराजित कर 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने हेतु करौली शासक मदन पाल ने भी सेना भेजी। छह माह बाद मेहराब को कोटा राज्य पुनः प्राप्त हुआ। जयदयाल व मेहराब खान को फांसी दे दी गई तथा कोटा में सर्वाधिक व्यापक तथा भीषण संघर्ष प्रारंभ हो गया। राजस्थान में अन्य कहीं भी इसका सुनियोजित संघर्ष नहीं हुआ। मेजर बटन के हत्या में कोटा महाराजा के शामिल होने की जांच करने के लिए
लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ, जिसे मारावल को निर्देशित बताया गया। धौलपुर में विद्रोह। राव रामचंद्र के हीरा लाल के नेतृत्व में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी सैनिकों ने स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह किया तथा धौलपुर रियासत पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1857 पर धौलपुर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। अंत में पटियाला के शासक ने अपनी सेना भेजकर धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया गया। टोंक में विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था, जिसे अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ हुए विद्रोह में मीर आलम खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तांत्या टोपे के टोंक आने पर क्रांतिकारी उनके साथ हो गए और अमीरगढ़ के किले के निकट नवाब की सेना को पराजित कर क्रांतिकारियों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने टोंक क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। तांत्या टोपे का राजस्थान में आगमन। अब टोंक के अंदर तांत्या टोपे का आगमन हो गया। तांत्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, जो 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोह नेता था। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था। तांत्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्टसन की सेना ने तांत्या टोपे को पराजित किया। कोठारिया के क्रांति जोध सिंह ने तांत्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई। तांत्या टोपे सेना सहित झालावाड़ पहुँचे, जहाँ के शासक पृथ्वी सिंह ने उसे विरुद्ध सेना भेजी, जो क्रांतिकारियों से पराजित हुए। क्रांतिकारियों झालावाड़ पहुंचकर अधिकार कर लिया, झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। तांत्या टोपे वापस ग्वालियर चले गए। तांत्या टोपे ने पुनः मेवाड़ आए तो 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। यहाँ से तांत्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहाँ मेजर रॉक की सेना ने उन्हें पराजित किया। नरवर के जागीरदार मान सिंह नरुका की सहयोग से सहायता से अंग्रेजों ने नरवर के जंगलों में तांत्या टोपे को पकड़ लिया तथा 18 अगस्त 1859 को तांत्या टोपे को सिपरी शिवपुर में फांसी दे दी गई। अब डूंगर जी जवाहर जी शेखर। 1857 के संग्राम के समय शेखर के क्षेत्र काका भीमताजी डूंगर जी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए थे। इन्होंने छापामार लड़ाई में अंग्रेजों को परेशान किया और धनी लोगों को धन लूट कर गरीबों में बांटना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने कई बार अंग्रेजी छावनियों को भी लूटा। अंग्रेजों द्वारा डूंगर जी को आगरा के किले में कैद कर लिया गया, जिसे जवाहर जी ने लोटिया जाट तथा करणीय मीणा की सहायता से छुड़वाया। बीकानेर में अंग्रेजी सेना ने डूंगर जी जवाहर जी को घेर लिया, जिसके पश्चात डूंगर जी जवाहर जैसलमेर तथा जवाहर सिंह भागकर बीकानेर चले गए। क्रांति की असफलता के कारण क्या कहते हैं। राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग तथा राजस्थान के लगभग सभी रियासतों के राजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया गया। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह और अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना सहित राजस्थान से बाहर भी गए। पंजाब के आसी सिरसा हिसार आदि स्थानों पर क्रांतिकारी परास्त किया। करौली के महारावल मदनपाल ने कोटा शासक राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त कराए। अलवर के महाराज विनय सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ में किले में घेरे परिवार को सहायता हेतु सेना भेजी। क्रांतिकारियों के पास धन तथा हथियारों की कमी हो गई। रणनीति तथा कुशल सेना को अभाव क्रांति के सभी प्रमुख केंद्रों पर क्रांति का एक समय प्रारंभ न होना और नसराबाद के क्रांति का दिल्ली चले जाना, जबकि उन्हें अजमेर जाकर वहां पर शस्त्रागार पर अधिकार करना चाहिए था। पहले 1857 क्रांति को सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद कर अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया, जिससे यह क्रांति का नेतृत्वहीन हो गया। 1857 क्रांति में राजस्थान की 6 छावनियों में से खेरवाड़ा तथा ब्यावर सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग ही नहीं लिया। 1857 की क्रांति बीकानेर के अमर सिंह बठिया प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जिसने फांसी दी गई।
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान में स्वतंत्र संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है। बंडू चंड बचुंडला प्रतापगढ़ नामक स्थान पर वीरों का स्मारक स्थल बना हुआ है। द म्यूटिन इन राजस्थान नामक प्रिचार्ड द्वारा लिखी गई थी। अंग्रेजों ने निम्बाड़े पर अधिकार कर टोंक निवास रामचंद्र को निम्बाड़े का मुख्य पटेल था को तोप से उड़ा दिया गया। धौलपुर के में विद्रोह राज्य से बाहर के सैनिकों ने किया था, उन्हें उसे दबाने की दबाना भी बाहर के सैनिक आए थे। रेबारी समुदाय के लोग मैक मोनसन की कब्र पर पूजा अर्चना करते थे। तो यह 1857 की महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अगर ऐसी और जानकारी पाना चाहते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, तो चैनल को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।